अब आप लोगों को ना मैं सिचुएशन बता देता हूँ। कई दफ़ा क्या होता है ना, आपका मोबाइल गिर जाता है या दोस्तों आपका मोबाइल चोरी हो जाता है, आपका मोबाइल ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको किसी भी सिचुएशन में आपको अपने मोबाइल की एक्सेस नहीं है, तो आपके जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट होंगे आपके मोबाइल में, वो दोस्तों आपके ज़ाया हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका मोबाइल बेशक चोरी हो जाए या दोस्तों ख़राब हो जाए या कुछ भी उसको हो जाए, आपके मोबाइल पर आपकी एक्सेस नहीं है, तब भी आप उन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट को रिकवर कर पाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा एक ऐसी सीक्रेट ट्रिक के बारे में, जिसका दोस्तों अगर आप यूज करते हैं, तो आप अगर दोस्तों अपना मोबाइल न्यू लेते हैं या दोस्तों कोई भी सिचुएशन बन जाती है, आप अपने जितने भी ओल्ड कॉन्टैक्ट हैं उसको रिकवर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस सीक्रेट ट्रिक को बताने से पहले आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो रेड कलर का आपको बटन देखने को मिल जाएगा, उसको दबा के सब्सक्राइब कर लेना। साथ में बेल आ रही होगी, उसको लाजमी दबाना। इसका फायदा ये होगा, जब भी लेटेस्ट वीडियो आएगी इस चैनल पर तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, आप उस वीडियो को जल्द से जल्द देख पाएंगे, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसी मजेदार वीडियो लाते रहते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों आपके साथ कोई भी सिचुएशन बनती है और आप चाहते हैं अपने ओल्ड कॉन्टैक्ट को रिकवर करना, तो उसके लिए आपने एक काम करना है। आपने जब भी अपने किसी भी नंबर को अपने ओल्ड फ़ोन में सेव करना है, तो आपने अपनी मेल पे सेव करना है, मतलब दोस्तों आपने उस नंबर को गूगल अकाउंट में सेव करना है, आपने फ़ोन में सेव नहीं करना। फॉर एग्ज़ाम्पल दोस्तों, ये मैंने एक नंबर लिखा, नंबर लिखने के बाद दोस्तों मैंने क्रिएट कॉन्टैक्ट पर क्लिक किया। अब दोस्तों इधर मुझे सेव के दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, एक फ़ोन का एक गूगल का। तो सिंपल मैंने क्या करना है, मैंने गूगल पे क्लिक करना है। गूगल पे क्लिक करने के बाद दोस्तों सेलेक्ट पे क्लिक करना है। सेलेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपने इधर से कोई भी नाम लिख देना है और सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों ये मेरे गूगल अकाउंट में सेव हो गया है, ये मेरे फ़ोन में सेव नहीं हुआ। तभी दोस्तों आप लोग अपने ओल्ड कॉन्टैक्ट को रिकवर कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर आप फ़ोन में करेंगे तो आप रिकवर नहीं कर पाएंगे। अब दोस्तों मान के चलो ये जो मेरा मोबाइल है, ये मेरा मोबाइल हो जाता है। अब दोस्तों मैं चाहता हूं जो मैंने ये नंबर सेव किया है इसको रिकवर करना, तो मैं किस तरह रिकवर करूंगा। अब दोस्तों मैंने अपने न्यू मोबाइल को ओपन करना है, जो भी आपने न्यू मोबाइल लिया होगा। ओपन करने के बाद दोस्तों सिंपल आपने क्या करना है, आपने अपनी सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों इधर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा गूगल का, आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने थोड़ा वेट करना है, ये ओपन हो जाए। उसके बाद दोस्तों आपने स्क्रोल डाउन करना है। स्क्रोल डाउन करने के बाद इधर आपको ऑप्शन एक मिलेगा सेटअप एंड रीस्टोर का, आपने सिंपल इस पे क्लिक कर देना है। इस पे दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करेंगे इधर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा रीस्टोर कॉन्टैक्ट्स का, आपने सिंपल इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप इस पे क्लिक करेंगे इधर दोस्तों आपने अपने उस गूगल अकाउंट को उस मेल को लगाना है जिस मेल पे दोस्तों आपने अपने नंबर्स को सेव किया था अपने ओल्ड मोबाइल पे। लगाने के बाद दोस्तों सिंपल आपने क्या करना है, आपने इधर करंट डिवाइस पे क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप इस पे क्लिक करेंगे इधर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा रीस्टोर का, आपने सिंपल इस पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो जितने भी आपके कॉन्टैक्ट होंगे जो आपने अपने ओल्ड मोबाइल में सेव किए हुए थे, वो सारे कॉन्टैक्ट इधर आपको देखने को मिल जाएंगे आपके न्यू मोबाइल में। इस तरह दोस्तों इस ट्रिक का यूज करके अगर दोस्तों आपके पास एक्सेस आपके मोबाइल की नहीं है, आप अपने जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट थे उनको इधर रिकवर कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों एक बहुत ही सीक्रेट कमाल की ट्रिक जो आपके दोस्तों बहुत काम आएगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। अगर ये ट्रिक पसंद आई, अगर ये वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल को दबा देना, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके लाजमी बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।